ऑर्गेनिकली मुझे ऐसा हमेशा कभी नहीं डेट आउट आया, बिकॉज मैंने ना थिएटर में ना रिस्पॉन्स देखा था लोगों का, और थिएटर का रिस्पॉन्स ना कोई पोस्ट नहीं होती, वो हाँ आपको या लाइव सामने, आपको गाली देंगे तो होता सामने दे देंगे, लाइव होता है, स्टैंडिंग ओवेशन मिलेगा तो लाइव मिलेगा। तो कहीं ना कहीं काबिलियत अगर आपकी है और आप बहुत अच्छा कुछ काम करते हो तो उसका क्या रिस्पॉन्स था, मैंने देख लिया था वो मुझे। और कांस में भी मेरे पास अभी भी रिकॉर्डिंग है, डॉगमैन की स्क्रीनिंग के बाद स्टैंडिंग ओवेशन 20 मिनट के लिए चली थी। एंड यू गाइज ऑल्सो शुड लाइक वंस गो टू कांस, बिकॉज आई टेल यू इट्स अ ह्यूज क्राउड, इट्स नॉट लाइक 1,000 2,000, इट्स मोर देन 5,000। एंड जब वो खड़े रह के, आप एक ट्राई कर लो कभी भी खड़े रह के बस क्लैप बजा दो, 2 मिनट नहीं बजा पाओगे, 2 मिनट के बाद बोर हो जाओगे। आप एक क्रू के लिए 20 मिनट के लिए क्लैप बजा रहे हो विदाउट इट ड्रिपिंग एट ऑल। तो मैंने ना वो रिस्पॉन्स देखा था, और लाइफ में ना मुझे मुझे वो करना था, मुझे ये सब, ये बाकी के फंटर नहीं चाहिए थे, मुझे ये नहीं चाहिए था कि किसी मैगजीन में मेरे बारे में क्या आर्टिकल आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैंने वो देख लिया था कि कांस में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने इफ्फी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सीखी थी, जिसमें कोई पीआर नहीं होता, कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, सब लोग एक्चुअल में आपका सुनना चाहते हैं। अभी यहाँ पे इंडस्ट्री में कैसे हर चीज आपकी कोरियोग्राफ्ड रहती है, हर चीज कोरियोग्राफ्ड रहती है, मतलब आप पूछो मत, आपको लगता है जो पोस्ट आप देख रहे हो ये इम्प्रोवाइज पोस्ट है, कुछ कुछ इम्प्रोवाइज नहीं रहता, इट इज समथिंग दैट हैज बीन, एक पीआर एजेंसी होगी वो बोलेगी मैं ये करूंगा वो करूंगा, उसके बाद आप ये सेंटिमेंट से ये बोलो, उसके बाद ये बोलो, उसके बाद ये लाफ्टर के लिए ये जोक क्रिएट करो, और हर एक चीज में मतलब दो तीन चार लोगों का इनपुट होता ही है, हर होता ही कोई एक है अलग इनपुट देगा, कोई दूसरा इनपुट नहीं देगा। है। अब हम इंटरव्यूज में बैठे रहते हैं तो फिर बोलता है दूर से ही 5 मिनट, 4 मिनट, 2 मिनट, उसके बीच में पूरा फ्लो खराब हो जाता है आपका कि खराब बस हो अभी जाता है। चलना है चलना है। और बाद में मैं गेज किस पे करूं, आप अगर मैं किसी इंटरव्यू में मेरी बात सुन रहे हो, मुझे किसी ने कुछ बोला है, मैं बोल रहा हूँ आपको, आपको तो एंड तक पता नहीं चलेगा जामले एक्चुअल में बंदा है कैसा, वो सही में कौन सी फिल्में करना चाहता है, वो एक्चुअल में पॉलिटिकली आर्टिकल 370 को सपोर्ट करने वाला बंदा है या नहीं है, कुछ पता ही नहीं चलेगा आपको, राइट नहीं। ना। तो मेरा ये था कि वो इसके वजह से डाउट कभी नहीं था, और ठीक है छोड़ो तो छोड़ो मैं बड़ा बन जाऊंगा, यही था दिमाग में, अकड़ थी कहीं ना कहीं, थोड़ा एरोगेंस भी था, आई एग्री विद दैट ऑल्सो। आप थोड़ा मैच्योरिटी में कम होते हो, आपको लगता है हर चीज हो जाएगी, आपको लगता है, बट उस वक्त भी अगर मुझे आज भी पूछा जाए कि उस वक्त क्या होता, तो मैं 110% बोल सकता हूँ कि मेरी रिलीज तो हो जाती फिल्म, 110% मैं छोटी फिल्म बना लेता 110%, बिकॉज मेरी रोल मॉडल्स वैसे थे, सीखा हूँ विद वीडियोज ऑफ अनुराग कश्यप या कुकनूर साहब, ये सब लोगों से सीखा हूँ, वो था कि वो तो हो ही जाएगा। तो जैसे ना बोल दिया, आफ्टर दैट आई थिंक आदित्य कॉल्ड मी एंड सेड दैट वी वांट टू वर्क विथ यू, वी वांट टू लॉन्च यू एज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, एंड दैट्स हाउ देन आई एंडेड अप मेकिंग माय फर्स्ट फिल्म, दैट वाज बारामुल्ला। एंड आफ्टर आई मेड बारामुल्ला, मेरा शूट खत्म हो गया January 24th को, और 7 दिन के बाद मेरी रशेस देख के, फिल्म का आउटपुट देख के, मुझे आदित्य ने बोला कि देयर इज अनदर सब्जेक्ट दैट हैज कम टू अस व्हिच इज आर्टिकल 370। 7 दिन के अंदर अंदर मुझे बोला गया था कि वी वांट यू टू डायरेक्ट दैट फॉर अस, और मैं तो पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट लेता हूँ, तो कहीं ना कहीं वो था कि कर देंगे 110%, वी शुड डू इट। एंड 1 साल के अंदर 2 फिल्में हो गई, लाइक आई रैप्ड बोथ द फिल्म्स इन विद इन 12 मंथ्स।